गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, दिस इज सीता मैम अगेन इन फ्रंट ऑफ यू. टुडे वी विल रीड अबाउट वेरिएशन इन सेंटर. व्हाट डज मीन द वर्ड वेरिएशन? मीन्स वेराइटी. वेराइटी से वेरिएशन बढ़ा है. एंड शेल्टर मीन्स होम्स. ओके, हम जिस टाइप के घरों में रहते हैं उसको शेल्टर बोलते हैं. एंड वेरिएशन मीन्स अलग अलग प्रकार के वेराइटी में. तो बेटा आपको पता है हम सब एक जैसे घर में नहीं रहते हैं, हमारे सब के घर अलग अलग है. क्यों हैं आज हम वही पढ़ेंगे. सबसे पहले एक स्टोरी देखती हूँ. ये देखिए पिक्चर, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है. और मैंने आपको वैसे भी इसका एक वीडियो भेजा था भीमबेटका रॉक्स के ऊपर. तो पहले हम ये पढ़ते हैं. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द भीमबेटका रॉक शेल्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश. दे आर द एंशियंट स्टोन एज रॉक शेल्टर विथ पेंटिंग्स. These permanent settlements were over 9,000 years old. They are 700 in number and have around 400 paintings. They will give us a lot of information about the life, tools and implements of the early men. The discovery of these caves has linked us to the prehistoric man. Isn't it amazing? बेटा आप ये देख रहे हैं, आप ये रॉक, ये मध्य प्रदेश में है. इनको भीमबेटका रॉक शेल्टर्स बोलते हैं. ठीक है, ये भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में क्या है, ये ना बहुत पहले एंशियंट स्टोन एज के टाइम पे ये यहाँ पे अर्ली मैन रहते थे. अर्ली मैन जो आप क्लास 3 में पढ़ा है, आप लोग क्लास 4 में पढ़ा है, वो अर्ली मैन. ठीक है, एंड अगर आप इनको गिनोगे, इनका टाइम ढूंढोगे, तो ये 9,000 ईयर्स ओल्ड है. मतलब इतने पुराने जमाने, जब सबसे पहले अर्ली मैन था ना बेटा उस वक्त का. तो इन पेंटिंग्स, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको कुछ पेंटिंग्स मिलेंगी और कुछ आपको पेंटिंग्स के अलावा कुछ आपको टूल्स वूल्स की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी. तो यहाँ पे बेटा 700, दे आर 700 इन नंबर्स एंड हैव मेड अराउंड 400 पेंटिंग्स. यहाँ पे 700 केव्स हैं. केव्स मतलब गुफाएं हैं. आप ढूंढोगे तो 700 केव्स हैं एंड यहाँ पे 400 पेंटिंग्स हैं. इन पेंटिंग्स से हमको गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. हमको ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. किस बारे में मिलती है बेटा? कि अर्ली मैन कैसे थे, अर्ली मैन क्या करते थे. बेटा वो लोग जो कुछ करते थे ना उसकी वो पेंटिंग बनाते थे. और वहाँ पे हमको उनके टूल्स, वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे, बो एरो, एनिमल्स को कैसे मारते थे, इस टाइप की पेंटिंग्स आपको भीमबेटका रॉक, अगर आप कभी मध्य प्रदेश जाएं, तो मैंने आपको जो वीडियो बताया था वहाँ पे आप कभी ढूंढने जाएंगे तो आपको अर्ली मैन की बहुत सारी जानकारी मिलेगी. ओके, और अब आगे बढ़ते हैं. हिस्ट्री ऑफ हाउसेस. सबसे पहला हाउस क्या था बेटा? केव्स. केव्स आर द अर्लीस्ट फॉर्म, है ना. सबसे पहले लोग केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे. घर बनाना नहीं आता था इसलिए. एंड अर्ली मैन गेव अप हंटिंग एंड फूड गैदरिंग. ही बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर. सबसे पहले अर्ली मैन क्या था? अर्ली मैन एक हंटिंग करता था, हंटर था. और उसके बाद फूड गैदरर था. यहाँ वहाँ घूम घूम के वो फूड खोजता रहता था. और जहाँ, जैसे आपने बेयर विल्स को देखा, जहाँ रात हुई वहीं पे डेरा डाला और वहीं सो जाता था. इस तरह से अर्ली मैन रहते थे. धीरे धीरे घूमते घूमते उन्होंने देखा कि उनको घर की ज़रूरत है, बारिश धूप बहुत होती है. फिर उन्होंने क्या किया, जो खाया उसका बीज फेंक दिया. तो जो जो बीज वो फेंकते थे ना बेटा, उस बीज में से पेड़ उगने लगे. तो उनको ये समझ में आया कि बीजों से पेड़ उगते हैं. तो इस तरह से वो क्या बन गए? फूड प्रोड्यूसर. खुद अपना फूड उगाने लगे, पेड़ उगाने लगे, फूड प्रोड्यूसर बन गए. और जब फूड प्रोड्यूसर बन गए तो बेटा उनको पेड़ों के पास रहना पड़ता था, एग्रीकल्चर करने लग गए. अब उनको पेड़ों में पानी डालना, उसका देखभाल करना, गाय गोरु ना खा जाए, कोई उसके जानवर आके तबाह ना कर दे, इस वजह से वो पेड़ों के पास ही अपना घर बनाकर रहते थे. आपने देखा होगा, आप हमेशा पेंटिंग बनाते तो आप क्या करते हैं, हमेशा किस टाइप की पेंटिंग बनाते? एक ऐसे पहाड़ है, यहाँ से नदी बह रही है, यहाँ एक नाव चल रही है, यहाँ खेती कर रहे हैं, सॉरी नाव यहाँ चलती है बेटा, हाँ यहाँ एक घर है. ओके, और यहाँ पे लोग खेती कर रहे हैं, है ना, इस टाइप की ये आपने पेंटिंग. और यहाँ सूरज उगा हुआ है. ये आप इस टाइप की पेंटिंग बहुत बनाते हो ना. तो सोचो कि अर्ली मैन नदी के पास रहते थे,
और जहाँ खेती बन करते थे वहीं पे अपना घर बना के रहने लग गए। क्यों? क्योंकि उनको पता है ना कि इन 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 खेतों की देखभाल करना है, पानी डालना है, इन सब का देखभाल करने के लिए उनको वहीं घर बना के रहना पड़ा। सो इस तरह से एक सेटल्ड लाइफ, घर बना के जब आदमी रहने लग जाता है ना तो उस घर से प्यार हो जाता है, उस जान खेती खेती बाड़ी से प्यार हो जाता है, तो वो क्या करता है, क्रॉप्स ग्रो करता है, और क्रॉप्स ग्रो करने के साथ साथ एनिमल्स भी पालने लगा। देखिए कुत्ते बिल्ली इस टाइप के लोग पलने लगे, डोमेस्टिक होने लगे। सो ही स्टार्टेड बिल्डिंग हट्स विद ब्रांचेस एंड द लीव्स ऑफ द ट्री। जैसे बेयर विल्स को आपने देखा होगा, ब्रांचेस से लीव से अपना एक छोटा सा हट बना लेता है, वैसे ये लोग भी हट बनाने लगे। इस तरह से अर्ली मैन एक घर बना के रहने लगा। लेटर द अर्ली मैन डिस्कवर द वॉल्स ऑफ द हट्स कुड बी मेड विथ मड। धीरे धीरे उनको समझ में आया कि मिट्टी के घर, मड यानी कि जो आपने झोपड़ी देखी है ना उस टाइप के घर बनाना वो सीख गए समय के साथ। जैसे एक दिन में आप ABCD नहीं सीख सकते ना बेटा, वैसे ही थोड़े थोड़े करके वो लोग घर बनाना सीख गए। दिस टाइप हाउसेस आर स्टिल फाउंड इन विलेज। आज भी हमको कच्चे घर, झोपड़ी टाइप के घर, मिट्टी के घर आपको गाँव में देखने मिल जाएंगे, है ना। वी हैव अ लॉन्ग वे फ्रॉम द टाइम्स वेन द हट्स वेयर द ओनली टाइप ऑफ शेल्टर। पहले ना सबके घर ऐसे ही होते थे, झोपड़ी टाइप के होते थे, सब लोग झोपड़ी में रहते थे। धीरे धीरे लोगों ने ईंटा बनाया, फिर दीवारें बनाई, फिर सीमेंट आया, फिर छत बनी। धीरे 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 इंसानों ने तरक्की कर ली। जैसे बेटा सबसे पहले मोबाइल आप देखते हो, ऐसे कीपैड वाला मोटा मोबाइल आता था, है ना। उसके बाद टच स्क्रीन आने लग गया, उसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन आने लग गए, उसके बाद दुनिया भर के फ़ोन आने लग गए। किसी में कुछ फीचर है, किसी में कुछ। वैसे इंसान सबसे पहले किस में रहता था, केव्स में। केव्स के बाद किस में रहना शुरू किया, हट्स में। और हट्स के बाद धीरे धीरे अपने वो साइजेस के हिसाब से घर बनाने लगा, डिफरेंट साइज एंड शेप, जितनी ज़रूरत है उतने शेप देने लग गया, घरों को आकार देने लग गया और डिफरेंट डिफरेंट घर बनाने लग गया, है ना। अच्छा, घर बनाने के लिए कौन सी रीजनल वेरिएशन इन हाउसेज अराइजेस फ्रॉम डिफरेंसेस इन। अच्छा, घर सब जगह अलग अलग प्रकार के घर होते हैं, अलग अलग प्रकार के घर के कारण हैं, रीजंस हैं। दे आर रीजंस इन वेरिएशन ऑफ शेल्टर। रीजंस क्या हैं, रीजंस मतलब कारण, कारण क्या हैं बेटा। एक कारण है लैंड फॉर्म, कि घर मतलब ज़मीन कैसी है, पहाड़ी ज़मीन है, पथरीली ज़मीन है, प्लेन ज़मीन है, आपका घर किस ज़मीनी इलाके में है, ओके। देन क्लाइमेट, मौसम के हिसाब से भी घर होते हैं, आपको मैं अभी बताऊंगी कैसे। फिर मटेरियल्स अवेलेबल, आप जहाँ रहते हैं क्या वो सामान वहाँ मिलता है, तभी तो वो चीज़ खरीदोगे, तभी तो घर बनाओगे। जब सामान ही नहीं मिलता तो कहाँ से खरीदोगे, कहाँ से बनाओगे। तो बेटा हर चीज़ ना डिपेंड करती है हमारे क्लाइमेट के ऊपर। सो कौन से तीन रीजन है, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, मटीरियल। अच्छा, मैं एक और चीज़ इसमें ग्राउंड करती हूँ, मनी। बेटा मनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा होगा वैसे ही तो घर बनेगा। सब चीज़ें अवेलेबल है आपके पास, लैंड है, क्लाइमेट है, आपके पास सब कुछ है, मटेरियल भी मिल रहा है बाज़ार में, लेकिन आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए। अच्छा पैसा तो अच्छा घर, एकदम शानदार घर बनाओगे। पैसे ही कम है तो ठीक ठाक घर बनाओगे, बहुत कम है तो जैसा चलना है, जितना ज़रूरत है उतना ही बनाओगे। सो डिपेंड्स अपॉन द थ्री फोर थिंग्स, मनी दैट वॉन्ट्स टू स्पेंड ऑन द लैंड। हम मनी कितना स्पेंड कर सकते हैं, है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। देन कम्स टू टाइप्स ऑफ शेल्टर ऑन द बेसिस ऑफ लैंड फॉर्म। अब लैंड के हिसाब से हम अलग अलग घर कैसे बनाते हैं, मैं बताती हूँ। देखिए सबसे पहले हिली एरियाज में, हिली मतलब पहाड़ी इलाकों में घर कैसे होते हैं, हाउसेज आर बिल्ट विथ स्लोपिंग रूफ्स। ये देखिए आपको ये स्लोपिंग रूफ्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले स्लोपिंग रूफ्स, ऐसे घर होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे घर, ऐसे स्लोपिंग हाउसेस क्यों होते हैं? इट हैज स्नो एंड रेन टू स्लाइड ईजली विदाउट चेंजिंग डैमेजिंग द रूफ। इससे बेटा स्नो आराम से गिर सकती है, देखिए आराम से स्नो ऐसे गिर जाएगी। देखिए दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है स्नो गिरी हुई, इसलिए आराम से स्लाइड हो जाती है, नीचे खसकती जाती है, गिरती जाती है, खसकती जाती है, गिरती जाती है। तो इस वजह से ये ना डैमेज नहीं होता, घर इसमें बर्बाद नहीं होता। नहीं तो जो अगर आपका घर में ऐसे ही ये बर्फ़ गिरती रहेगी ना, तो बेटा छत बर्बाद हो जाएगी, छत थोड़े दिन बाद टुकड़े टुकड़े, बहुत जल्द छत में
क्रैक हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। इस वजह से स्लोपिंग्स, ये जो स्लोपिंग रूफ्स हैं वो आपको हिली एरियाज में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, बारिश ज़्यादा होती है, उन सबसे बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। और आपको ऐसे घर कहाँ मिलेंगे? आपको ऐसे घर श्रीनगर, कश्मीर, शिमला, इस टाइप के एरियाज में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये हिली एरियाज है। द हाउसेज आर मेनली मेड अप ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड वुड। बाकी जो हाउस हैं वो ज़्यादातर सीमेंट और वुड से बनाए जाते हैं, क्योंकि वुड बेटा ठंडे इलाकों में वुड गर्म करता है ना, ज़्यादा हिस्सा वो लोग कोशिश करते हैं कि वुड का यूज़ हो अगर उनके पास अवेलेबल है तो। हालांकि आजकल लकड़ी काटना अलाउ नहीं है, इसलिए नहीं काटते हैं। नेक्स्ट बेटा आता है प्लेन। प्लेन इलाके में घर कैसे होते हैं? इन प्लेन हाउसेज आर बिल्ट विथ थिक वॉल्स, हाई फ्लैट रूफ्स टू कीप देम कूल इन समर। जैसे गर्मियों में आपको प्लेन इलाके में आपको बहुत घर जो होते हैं ना, बहुत मोटी मोटी दीवारों की होती हैं, मोटी मोटी दीवारें होती हैं, बड़ी बड़ी हाइटेड छत होती हैं, हाइटेड फ्लैट छत होती है। फ्लैट ये देखिए, यहाँ पे छत देखिए कितनी फ्लैट है, जहाँ पे बाहर रात के लोग सो जाते हैं, रात को छत पे सो जाते गर्मी से बचने के लिए, है ना, गर्मी नहीं लगती। और ये ऐसे छत प्लेन जहाँ पे प्लेन ज़मीन है वहाँ बनाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत गर्मी है वहाँ पे हाई रूफ होते हैं, छत जो होती है बहुत ऊंची ऊंची होती है, ताकि आराम से हवा आना जाना वेंटिलेशन से हो सके, और दूसरी बात ताकि आराम से गर्मी में बच सकें। और एक और चीज़ बेटा कि द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन आर मेनली सीमेंट एंड ब्रिक। बेटा मेनली सीमेंट एंड ब्रिक से ही बनाया जाता है। मेनी पीपल स्लीप ऑन फ्लैट रूफ्स इन रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर लाइक राजस्थान। राजस्थान में मैंने आपको अभी बताया बहुत गर्मी होती है राजस्थान एंड गुजरात में, तो बेटा वो लोग छत पे ही सोते हैं, है ना, ये देखिए छत पे सोते हैं। एंड इन सिटीज लाइक हाई राइज अपार्टमेंट्स एंड बिल्डिंग, ये देखिए ये हाई राइज अपार्टमेंट, मतलब ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ये कम से कम 20 फ्लोर का तो होगा, है ना, तो ये 20-20 फ्लोर वाले जो बिल्डिंग्स होते हैं उनको हाई राइज अपार्टमेंट्स बोलते हैं, बिल्डिंग्स बोलते हैं, है ना। ये ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेगा? मुंबई, है ना, मुंबई है, यहाँ पे आपको मिलता है। दिल्ली में नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में बेटा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, थोड़ा सा वहाँ पे ना अर्थक्वेक आने के संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ नहीं है। आर कॉमन बिकॉज ऑफ लिमिटेड लैंड एंड हाई। अच्छा, आप कभी सोचो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बेटा मुंबई में बहुत सारा पॉपुलेशन है, बहुत लोग हैं, वहाँ ज़मीन बहुत कम है। मुंबई खुद एक छोटी सी प्लेस है, तो वहाँ पे बहुत सारा लार्ज पॉपुलेशन है, इतने सारे लोगों को रहने के लिए दिक्कत होगी, इसीलिए फ्लैट्स बनाए जाते हैं। फ्लैट्स में क्या है, ज़मीन कम यूज़ होती है और एक के ऊपर एक और घर बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जहाँ पॉपुलेशन होती है ना बेटा, वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग होती है, और जहाँ पे लिमिटेड लैंड है, ओके, लिमिटेड लैंड, जहाँ पे बहुत कम ज़मीन है, जैसे मुंबई बहुत कम ज़मीन होती है, वहाँ पे इस टाइप के हाई राइज बिल्डिंग्स मिलती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन कोस्टल एरियाज, अब कोस्टल एरिया समुद्र तट के इलाके की तरफ जाते हैं, एंड ऑन आइलैंड्स पीपल बिल्ड स्टिल्ट हाउसेस। ये देखिए बेटा, ये जो आपको हाउस दिख रहा है ना, ये स्टिल्ट हाउस है। स्टिल्ट हाउस क्या होते हैं? ये देखिए, ये स्टिल्ट हाउस एक कैसे ना एक कैसे पिल्लर, ये देखिए, ये जो एक ठो यहाँ पे एक स्टेज जैसा बना गया है ना, स्टेज के ऊपर ये घर बना है ना, ये देखिए ये घर इस स्टेज के ऊपर बने हुए हैं। और इस सीढ़ी से, जो सीढ़ी दिख रही है आपको, इस सीढ़ी से ऊपर जाते हैं, और नीचे बेटा इस तरह से कुछ भी बांस वांस रख लेते हैं, ओके, ये रखते हैं। तो नीचे बहुत पानी, ये देखो बारिश का पानी भर गया है, तो बारिश के पानी से बचने के लिए इस टाइप के हाउसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है या कोस्टल इलाका है, वहाँ पे आपको इस टाइप के स्टिल्ट हाउसेस मिलते हैं। इस इन द फ्लड प्रोन एरिया, ये फ्लड प्रोन एरिया क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जहाँ का बारिश का पानी घरों में घुस जाता है, तब हम फ्लड प्रोन एरिया बोलते हैं। एरियाज ऑफ हाउस आर मेड अबव फीट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर, ज़मीन से ऊपर ये घर बनाए जाते हैं। और क्यों बनाए जाते हैं?
ताकि बारिश से बच सके और सूखा रह सके। अच्छा यहाँ पे एक देखिए स्टेयर्स होती है, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे टू क्लाइंब अ स्टेयर्स ऑफ 5 to 7 feet, ये छोटी सी स्टेयर होती है, इससे ऊपर अंदर जाते हैं। और ये जो हाउसेज है वो बैम्बू एंड लकड़ी के बनाए थे, सीमेंट के नहीं बनाते बेटा, सीमेंट के नहीं होते। और कोकोनट शाफ्ट क्या होता है कि कोकोनट के वो जो पत्ती वत्ती ये सबसे बनाते हैं। ये बारिश के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि बारिश में इस सबसे सांप बिच्छू भी अंदर नहीं जाएगा और पानी में सामान भी गीला नहीं होगा। तो ये आपको ज़्यादातर फ्लड प्रोन एरियाज़ में मिलते हैं, जैसे कि आसाम है ना, आपको आसाम इलाके में मिल जाएगा, मेघालय में मिल जाएगा, वहाँ बहुत बारिश होती है, ओके, या फिर कोस्टल एरियाज़ में। ये देखिए अर्थक्वेक, जापान में ना बहुत अर्थक्वेक आता है। हाउसेज इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया इन जापान आर बिल्ट विथ बैम्बू एंड वुड टू मिनिमाइज द डैमेज ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड रीबिल्डिंग ऑफ द हाउसेज इज नॉट डिफिकल्ट। ये देखिए जापान में इस टाइप के घर बनाए जाते हैं, लकड़ी के, पूरी तरह से लकड़ी के, क्योंकि बेटा जब सीमेंट ईंटें जब सर पर गिरती हैं तो सर फूट जाता है, और जब लकड़ी गिरती है तो इतना नहीं लगता, सर फटता है लेकिन आदमी का ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वी लिव इन अ सोसाइटी बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर फुलफिलमेंट ऑर नीड्स। कम्युनिटी लिविंग टीच अस टू केयर फॉर अदर, शेयर फैसिलिटीज़ लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मार्केट एक्सेट्रा। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम अकेले नहीं रह सकते, हमको किसी न किसी की ज़रूरत है, हमको सोसाइटी में हमारा ध्यान रखने वाला बहुत सारे लोग होते हैं कम्युनिटी में, जैसे कि वाटर सप्लाई करने वाले लोग होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाले, मार्केट है। अब आप सोच लीजिए कोरोना में हम सबको ज़रूरत है, एटलीस्ट मार्केट खुला है तो अब सब्जियां मिल जा रही हैं, लेकिन अभी बहुत से काम लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टीचिंग, अभी ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, आप स्कूल नहीं आ रहे हो, आपको टीचर की ज़रूरत है, आपको पढ़ाई पूरी करनी है ना, लेकिन आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि लॉकडाउन है और हम नहीं जा सकते। तो उसी तरह हम सबको, हमको किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। वी नीड हेल्प इन केस ऑफ एनी डिज़ास्टर और ट्रामा ऑफ लूजिंग अ होम और गेटिंग इंजर्ड। अ नेबरहुड पुलिस स्टेशन प्रोवाइड्स हेल्प एंड सिक्योरिटी। वी ऑल्सो नीड हॉस्पिटल्स, डॉक्टर, सर्विस ऑफ हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस, डॉक्टर्स टू प्रोवाइड एड। हम जहाँ भी रहते हैं हमको पड़ोसियों की ज़रूरत है, हमारे पड़ोसी अच्छे होने चाहिए, हमको नेबरहुड में एक पुलिस स्टेशन होना चाहिए, हॉस्पिटल्स। जब भी हम घर खरीदते हैं, हम घर लेते हैं, हम तो सोचते हैं कि नहीं मार्केट के पास हो, स्कूल के पास हो, ऑफिस के पास हो, बिल्डिंग हमारी इतनी दूर ना हो, अकेले तो अकेले ना हो, मार्केट जाना दिक्कत ना हो, सबसे पहले सिक्योरिटी हो, है ना, इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमको इन सब की ज़रूरत है। हम अकेले कोई जंगल में जाकर घर बना के रहेंगे तो हम नहीं रह सकते, बिकॉज मैन इज़ अ सोशल ह्यूमन बीइंग, मैन अकेले रह ही नहीं सकता, एक दिन, दो दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। अब आप देखिए अगर लॉकडाउन हो जा रहा है तो हमको कितनी मुश्किल हो रही है, हमको बाहर निकलने का मन करता है, सबके साथ बाहर खेलने का मन करता है, अब स्कूल भी खुल जाए, बोरिंग लग रहा है घर में, आपको लग रहा है ना बोर, तो ये क्यों ज़रूरत है, इसलिए आपको ज़रूरत है बेटा। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, और इसके बाद जो थिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ लेंगे। एंड टेक केयर, और गुड बाय, एंड टेक केयर,